गुजरात के भावनगर में एक टूरिस्ट बस सैलाब में फंस गई। सैलाब के बीचों बीच फंसी बस का जो वीडियो सामने आया उसमें बस पुल पर बह रही नदी के बहाव में फंसी हुई नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक इस बस में 37 लोग मौजूद थे जिनकी जान बच गई। भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ने से उसका बहाव तेज हो गया, इसकी चपेट में बस आ गई और फंस गई। हालांकि सैलाब में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 37 लोगों में 29 तमिलनाडु के बताए गए। भागलपुर में गंगा का जलस्तर तो घट गया लेकिन परेशानियां घटने का नाम नहीं ले रही। गंगा ने सबसे ज्यादा तबाही मसाड़ू गांव में मचाई है। हर दिन कई घर गंगा में विलीन हो रहे हैं। बचाव के नाम पर हालांकि सिर्फ खानापूर्ति ही की जा रही है। मसाड़ू गांव में तबाही का भीषण मंजर हर तरफ नजर आता है। अब तक इस गांव में 3 दर्जन से ज्यादा मकान विलीन हो गए हैं। कई बीघा जमीन, ग्रामीण सड़क और लाखों की लागत से बना चौपाल गंगा में समाधि ले चुका है। घटते जलस्तर में भी कटाव तेज है, ग्रामीणों में हड़कंप है। फ्लड फाइटिंग का काम भी पिछले कई दिनों से बंद है। लोग प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। जायजा लिया आशीष रंजन। दानापुर में आशोपुर मुख्य रोड की स्थिति जर्जर हो गई है। रोड पर जल जमाव और बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। 10,000 की आबादी का यही एकमात्र रास्ता है और मुख्य रास्ता इस तरह से बदहाल है। विधायक, सांसद और अधिकारियों से शिकायत के बावजूद अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सड़क खराब होने की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। कई बार लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। सड़क पर उतरकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी है और सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। गुमला में लगातार हो रही बारिश ने नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है, जिससे कई गलियां और मुख्य मार्ग गड्ढों में तब्दील नजर आते हैं। पटेल चौक पर एक बड़ा गड्ढा बना हुआ है जो दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। ये सड़क लोहरदगा, छत्तीसगढ़ और रांची सिमडेगा के लिए मुख्य मार्ग है, लेकिन नगर परिषद और एनएच विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा। गड्ढे के कारण बाइक सवार आए दिन दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। नेपाल में भारी बारिश की वजह से गंडक नदी उफान पर है। 28 और 29 सितंबर को गंडक में लगभग 4.3 लाख क्यूसिक पानी का डिस्चार्ज का अनुमान है और जिस वजह से छपरा के पास की गुजरने वाली गंडक नदी के तटीय प्रखंडों में ज्यादा पानी आने की संभावना है और इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है। खबर है आरा से, जहां लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण लोगों में काफी डर है। जिले में बाढ़ का पानी तेजी से घट तो रहा है लेकिन गंगा की धार में भी उतनी ही तेजी से हलचल हो रही है। इसके कारण ज्वाइनिया गांव के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लोग अपने घर को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। पानिया कम भइला तो 2.5 लाख भइला गाले ना 2.5 लाख नहीं तो भइला पानी बा के देखी गांव किनारे के बानी जा 2.5 तो बानी जा में के ये चाहिए के साधन चाहिए हम के जननी और कुछ न में के साधन चाहिए ये बा हम के दी का जाएंगे माल गेलु हम दी लइका फाइका सब गांव किनारे के बानी जमे के साथ। नेपाल और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। मोतिहारी के सुगौली, चिरैया, पकड़ीदयाल, चकिया, महसी प्रखंड से होकर गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। नेपाल के तराई क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से बूढ़ी गंडक नदी का पानी सिकरहना नदी में प्रवेश कर गया है। ऐसे में ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों को बाढ़ की चिंता सता रही है। कटाव से ज्यादा परेशानी है। ये बोरी वोरी लगा था, इस सब बोरी चला गया है, फिर बाढ़ में अंदर चला गया है और यहाँ ज्यादा परेशानी बढ़ गया है। फिर पानी भरस रहा है, सब नदी काट फिर बर्ती गिरा रहा है। सब गन्ना उन्ना का खेत परेशानी हो रहा है हम लोग का। ये सब गन्ना का खेत नीचे चला गया पानी होनी और बगल में ये घर है। खबर झारखंड के गोड्डा से, जहां पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश में शहर के कई इलाकों की स्थिति नारकीय हो गई है। राजकुमार नगर में लोगों के घरों तक में पानी समा गया है। हाल ही है कि लोगों ने जैसे तैसे घरों के सामान को बचाया है ताकि पानी में खराब ना हो सके। पीड़ित लोगों का आरोप है कि पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से पूरे इलाके का पानी यहीं पर आ जाता है, इससे परेशानी बढ़ जाती है। खबर बिहार के गोपालगंज से, जहां बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का असर नजर आ रहा है। इस चक्रवात का असर अब किसानों की फसलों पर दिख रहा है। आंधी पानी की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। खेतों में गन्ना, धान और मक्के की फसल गिर चुकी है। किसान को अब पैदावार कम होने की चिंता सताने लगी है।
शेखपुरा में हरुहर नदी उफान पर है। घाट कुसुम्भा में आंगनबाड़ी केंद्र में पानी घुस गया। आंगनबाड़ी केंद्र में पानी घुसने के बाद पढ़ाई बाधित है। बच्चे पानी में मस्ती कर रहे हैं। कोयल गांव का आंगनबाड़ी केंद्र नदी के किनारे बसा हुआ है। कुछ आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो प्रभावित हुए हैं और उनके लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिका को निर्देश दिया गया है और अभी भी वो लोग जो है वहाँ कैंप करके जो आंगनबाड़ी केंद्र बाढ़ से प्रभावित हैं उनको अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करके उनको संचालन का कार्य किया जा रहा है।